तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 110 के बारे में, जिसमें कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी कि हम धन विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं। तो धन विधेयक के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब वह किसी भी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करता हो, इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो, या भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, या किसी ऐसी निधि में धन जमा करने या उसमें से धन निकालने से संबंधित हो तो यह धन विधेयक माना जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार की संचित निधि से या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा करता हो तब यह धन विधेयक माना जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार की संचित निधि से धन का विनियोग करता हो, या भारत की संचित निधि पर भारत किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करता हो तब वह धन विधेयक माना जाएगा, या भारत की संचित निधि या लोक लेखे में से किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण करता हो तब वह धन विधेयक माना जाएगा, या उपरोक्त विषयों का आनुषंगिक कोई विषय हो तब जाकर वह धन विधेयक माना जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में ये सब बताया गया है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा यदि वह कुछ कंडीशन है कि जुर्माने या अन्य धन संबंधी सस्तियों के अधीन अधिरोपण करता हो तो वह धन विधेयक नहीं माना जाएगा, और किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय परियोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिवर्तन या विनियमन, परिहार का उपबंध करता हो तो वह धन विधेयक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अनुज्ञप्तियों के लिए या की गई सेवाओं के लिए शुल्कों की मांग करना कहीं कोई स्थानीय प्राधिकारी करता है तो वह धन विधेयक नहीं माना जाएगा। और थोड़ी सी अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु बात कर लें कि धन विधेयक के बारे में, तो किसी भी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा धन विधेयक नहीं है, तो इसको निर्धारित करने का जो कार्य है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, और लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। और किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद उसकी प्रगति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी विचार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में यह सिर्फ जाता है औपचारिकता मात्र के लिए, लेकिन इसको प्रस्तुत अगर किया जा सकता है तो सिर्फ लोकसभा में। इसके अलावा धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि धन विधेयक जो मंत्री होते हैं वही प्रस्तुत कर सकते हैं, दूसरे कोई अन्य नहीं। यानी कि धन विधेयक जो है एक प्रकार का सरकारी बिल है, सरकारी विधेयक है। तो ये था धन विधेयक के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।